सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ घाटकोपर। एक्चुअली मुझे सड़क से बिठाना था तो उसी के लिए जा रहा हूँ। आज एक डिफरेंट प्लेस पर जा रहा हूँ, नहीं तो यूजुअली मैं रॉ या फिर राइडर स्टूडियो में जाता हूँ, बट आज एक डिफरेंट शॉप में जाने वाला हूँ जो मुझे प्रशांत भाई ने रिकमेंड किया। शॉप का नाम है इनफील्ड बाइक स्टूडियो। मैंने फोटोज वगैरह देखे तो बहुत ही अच्छी शॉप है, मतलब अगर आप रॉयल इनफील्ड राइडर हो और आपको मॉडिफिकेशन करना है तो इससे ज़्यादा अच्छी प्लेस मुंबई में तो आपको नहीं मिलने वाली। सो अभी मैं उधर ही जाने वाला हूँ। एक्चुअली पहले प्रशांत भाई की बाइक की बैटरी देनी है, एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम हो गया है, तो पहले वो बैटरी सबमिट करेंगे फिर जाएंगे शॉप में। शॉप बहुत ही अच्छा है, तो मैं आपको जाने के बाद दिखा दूंगा शॉप कैसा है क्या है। और या वही साढ़े से बिठाना था, और वैसे बाइक बोलूँगा इस सस्ते में मिल रहा था इसलिए जा रहा हूँ उधर। और मैंने फ़ोटोज़ भी देखे तो अच्छा लगा मैंने साढ़े से वो, क्योंकि उसमें एक बाकी साढ़े से एक बहुत ही अच्छी बात है वो मैं आपको उधर जाने के बाद बताता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आई डोंट नो आपको नोटिस डिफरेंस हो रहा है कि नहीं, बट एक्चुअली मैं अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो एक एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं गाइस, मैंने गोप्रो का अडेप्टर नहीं खरीदा, एक्चुअली मैंने माइक है जो मेरे मोबाइल में अटैच किया और वहीं से मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होपफुली अच्छा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा हो, क्योंकि जो गोप्रो का इंटरनल माइक है वो अबव 60 बहुत ज़्यादा विंडनेस कैप्चर कर लेता है। और राइट नाउ आई एम स्पीड एट 80 किलोमीटर्स पर आर, और थोड़ा सा विंड नॉइज़ तो चलता है बट 60 के बाद बहुत विंड नॉइज़ आ जाता है। तो उसी के लिए मैंने सोचा यार अभी एक बार देख लेते हैं एक्सटर्नल माइक से ब्लॉक करके कैसा आता है वॉइस वगैरह। सो यू गाइस वंस आई रीच द शॉप। सो गाइस राइट नाउ वी आर एट MK बैटरीज। सो अभी प्रशांत भाई गए हैं बैटरी देने के लिए, बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके वजह से स्विच वगैरह मार के बाइक चालू करनी पड़ रही है। तो अभी शायद से बैटरी रिप्लेस होगी या नहीं खरीदने के डोंट नो, और अभी देखते हैं वो आने के बाद पता चल जाएगा क्या है बैटरी का सीन। तो और इधर से जो शॉप जिधर मैं जाने वाला हूँ वो कुछ ज़्यादा तो दूर नहीं है, इधर से अपने 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। तो फटाफट बैटरी का काम करते हैं फिर जाते हैं इनफील्ड बाइक शो में। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ, शॉप बहुत ही अच्छा है, आपको एक शॉप का ओवरव्यू देता हूँ। तो शॉप में सभी मतलब आप रॉयल इनफील्ड जो भी एक्सेसरी होंगे सब अवेलेबल है, और इनकी स्पेशली मतलब टैंक बैग्स है, सैडल बैग्स है जो इन्होंने खुद से मैन्युफैक्चर की है, किसी मतलब ऐसे थर्ड ब्रांड की नहीं है, इनके खुद के ब्रांड की है। सो आपको सब दिखा देता हूँ, सबका एक रेंज बता दूंगा किस प्रोडक्ट का क्या है, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स दिए रहेंगे, आप कॉल करके पूछ लेना। और बहुत ही अच्छा शॉप है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू। Yeah.
का भी आता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक बैकपैक दोनों साइड से एक साइड से भी कैरी कर सकते हैं। ये इसको इसमें अटैच कर देंगे मैग्नेटिक तो ये मैग्नेट का काम करेगा टैंक पे। इसमें राइडर लोग अपना जेरोक्स रख के डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स स्पेस इसके अंदर काफ़ी स्पेस होता है साइड से भी है। ये रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्टर है पानी का बॉटल देख सकते हैं। और इसके आगे भी है इस साइड भी पाउचेस है कुछ रखना है तो रख सकते हैं अक्सर लगते ही रहता है। सो गाइस जैसे कि आपने देखा शॉप बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड है और आपको अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो बहुत ही अच्छा शॉप है। मतलब आप एक्सेसरीज का नाम लो इनके पास वो अवेलेबल है। और इनके जो टैंक बैग्स और सैडल बैग्स है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर आपको लेना होगा कुछ भी तो शॉप के डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन राइड सेफ बाय।